अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, एहराम पहना हुआ है मैंने, तो मतलब आप समझ गए होंगे मैं जा रहा हूँ उमरे पे। ये तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि उमरा कैसे होता है और आपको क्या क्या करना होता है उमरे के लिए। तो गाइस, अभी मैं प्लेन पे जाऊँगा, अभी मैं दुबई में हूँ, ठीक है, मैं प्लेन में जाऊंगा। मैं बिलीव नहीं कर सकता गाइस कि मैं उमरे पे जा रहा हूँ, सीरियसली। तो चलते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से फिर हम जाएंगे, फिर हमारी फ्लाइट है एमिरेट्स की, सारे से पहले माय फेवरेट फ्लाइट, उसके बाद हम जाएंगे जद्दा, जद्दा से फिर मक्का। तो चले चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं एयरपोर्ट की। जा रहा हूँ, बोर्डिंग कराएंगे एंड उसके बाद प्लेन में बैठेंगे। गाइस, हम आ चुके हैं बोर्डिंग करवा के, वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। और गाइस, अभी न्यूज़ मिली है कि हमारी फ्लाइट डिले हो चुकी है, तो मतलब हम सऊदीया लेट पहुँचेंगे और उमरा लेट होगा। يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب. Guys, our plane بہت بڑا تھا اور بہت colorful بھی تھا. يا ختام المرسلين يا حبيبي. تو guys, Emirates کا پلین ہے, میں اس میں سیکنڈ ٹائم آیا ہوں یہ ملتان کے لیے, فلائٹ بند ہو گئی ہے तो इसके मुझे काफ़ी टाइम बाद आने वाला है, लेकिन इसमें ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है लास्ट टाइम से। ओह वाओ, और गाइस ये क्या, और गाइस सीट बहुत कंफर्टेबल थी और उन्होंने हमें पिलो भी दिया था, ब्लैंकेट भी दिया था, हेडफोन भी दिया था। गाइस, हमारा प्लेन फ्लाई करने वाला है, ये हमें टॉय भी मिला है जिसको हम कुछ इस तरह से खेलते हो, ये वापस ऊपर आता है, और ये भी कलरिंग बुक। प्लेन अपनी जगह से निकल चुका है और अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। गाइस, ये बाहर का व्यू है और एक प्लेन जा रहा है और हम करके टेक ऑफ करने वाले हैं। गाइस, हमारा प्लेन टेक ऑफ करने वाला है और चल पड़ा है, इतना बता सकता हूँ।
मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन और खुशी वाला दिन है, मैं उम्रा कर रहा हूँ। आपको मिलते हैं जद्दा में। ऐसी फीलिंग आती है कि हम नीचे दबने वाले हैं, तो वो फीलिंग मैं लेना चाहता हूँ। टेक ऑफ करने वाले हैं बस। टेक ऑफ हो गया। ओह, काफी स्मूथ टेक ऑफ था यार। माशाल्लाह। हमारा स्कूल भी किधर नहीं आता है, माशाल्लाह से हमारा स्कूल इस तरफ आता है। का मतलब फ्लाइट का नाम था EK801।
तो इसका मतलब है ई का एमिरेट्स, के का कराची। जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो एमिरेट्स टू कराची थी, इसलिए मतलब उसमें पाकिस्तानी एयरलाइन PIU ने बहुत हेल्प की थी एमिरेट्स को बनाने में। उसके बाद यू नो एमिरेट्स कहाँ और PIU कहाँ, और एमिरेट्स से कराची गई थी। EK801 ये हमारी फ्लाइट का नाम है। और दुबई टू जद्दा है अभी तो फिलहाल। लेकिन जो मेन है फर्स्ट फ्लाइट थी EK801, मतलब 801 में EK लगाना आता है हर एरोप्लेन के साथ, EK आता है। गाइस प्लेन लैंड हो गए, अभी उठते हैं और चलते हैं। बड़ा प्लेन था गाइस, प्लेन के निकलने के बाद हम प्लेन से निकलने के बाद हमें पता चला वहाँ अभी भी मेट्रो है। हम होटल भी पहुंच गए हैं और इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और उम्रा करते हुए मिलते हैं। बाय।